रूस और यूक्रेन के भीषण जंग के बीच यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र यूक्रेन की जपोरिजिया से हिला देने वाली खबरें आई थी, न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले की खबर। इस खबर से दुनिया भर में गंभीर चिंता थी, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने कहा है कि हमले से जिस इमारत में आग लगी थी वह परमाणु रिएक्टर का हिस्सा नहीं है तथा रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, खतरनाक मोड़ लेते हुए युद्ध से दुनिया भर के देशों में चिंता बनी हुई है। इस युद्ध के प्रति भारत की अभी तक की स्थिति क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका इस युद्ध में क्या है? क्या इवन बड़ी शक्तियों को रोकने में सक्षम है? इस युद्ध के कारण क्या हैं? इन मुद्दों की पड़ताल करती हुई इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। युद्ध के कारणों की तलाश में रूस यूक्रेन की इतिहास पर एक संक्षिप्त नजर इस वीडियो में डाली गई है। साथ ही अभी तक भारत रूस संबंधों पर भी संक्षिप्त चर्चा हुई है तथा भारत के इवन में स्टैंड का भी उल्लेख हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आज बात होगी एक विकट मानवीय त्रासदी की जो युद्ध के रूप में सामने आया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में विशेष सशस्त्र अभियान की शुरुआत कर दी थी जो अब युद्ध में बदल गया है और काफी तेजी से स्थिति विकराल होते जा रही है। इसका कब अंत होगा अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। अभी यूक्रेन तो गंभीर संकट में फंसा हुआ ही है, लेकिन पूरी दुनिया भी एक गंभीर संकट की चपेट में आने जा रही है। पूरी मानवता ही अंधराष्ट्रवाद की दौड़ में कराती नजर आ रही है। एक तो कोरोना ने विश्व की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, जिसे ठीक करने में लंबा वक्त लगेगा। कोरोना संक्रमण की गंभीर चरण में जो मानवीय त्रासदी झेलनी पड़ी थी वह सभी को तो याद है। जिस तरह से पलायन का दर्द झेलना पड़ा था वह कहां भुला सकते हैं। आज गरीब और ज्यादा गरीब होते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। वैसी भयानक दौर से अभी दुनिया उभर भी नहीं पाई है कि परमाणु युद्ध की आशंका में रातें गुजर रही हैं। हम सभी को यह पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के अटैक्स हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस परमाणु अटैक से क्या जापान के दो शहर ही नष्ट हुए थे? नहीं, उसकी त्रासदी तो अभी भी मानवीय सभ्यता को झेलनी पड़ रही है। युद्ध के बाद विश्व दो ध्रुवों में बटते नजर आया था। भयानक गुलबंदी हुई थी। एक तरफ पूंजीवाद का प्रबल समर्थक अमेरिका तो दूसरी तरफ साम्यवादी रूस। तब चीन का वैश्विक समुदाय में अतापता नहीं था। वह एक मजबूत साम्यवादी राष्ट्र बनकर नहीं उभरा था, इसलिए दुनिया में दो ही ध्रुव बनकर के उभरे थे। भारत अभी तुरंत ही आजाद हुआ था। विश्व इतिहास में एक लंबी स्वतंत्रता संघर्ष के बाद भारत को साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी ब्रिटेन से आजादी मिली थी। फलतः भारत अभी विकास की सहसवा अवस्था में ही था। किसी भी ध्रुव के साथ जुड़ जाने का मतलब होता भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़। फलतः भारत ने एक नई ही राह पकड़ी थी, गुट निरपेक्षता की, न इधर न उधर बल्कि दोनों को बैलेंस करने का एक प्रयास। फिर भी झुकाव रूस की तरफ ज्यादा रहा। कारण था भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौर से ही रूसी जनता के साथ भारत के कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गहरा लगाव। फिर भी भारत ने किसी भी गुट को प्रत्यक्ष समर्थन नहीं दिया। अगर भारत किसी भी गुट के प्रत्यक्ष समर्थन में चला जाता तो क्या होती, इसका अंदाजा वर्तमान से लगा सकते हैं। साथ ही भविष्य में होने वाली घटनाओं से भी इस बात की पुष्टि होगी। पिछले दिन आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रस्तावित रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में भारत ने हिस्सा नहीं लिया है और कहा है कि पहली प्राथमिकता हमारी अपने नागरिकों की यूक्रेन से सुरक्षित वापसी की है और हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करते हैं कि तत्काल युद्ध विराम हो। आइए अब इतिहास में लौट करके युद्ध के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया दो ध्रुवों में तो बटी ही थी, अपने अपने खेमे की मजबूती के लिए सैनिक आर्थिक संगठन भी बनने लगे थे। अमेरिका ने 12 यूरोपियन देशों के साथ मिलकर के 1949 में एक सैनिक संगठन खड़ा किया था, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। यह अपनी सुरक्षा से ज्यादा वैश्विक दादागिरी का काम करने के उद्देश्य से बना था। दूसरी तरफ रूस ने भी अपने समर्थकों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, वर्सा ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, और सिद्ध युद्ध का दौर शुरू हो गया था धरती से अंतरिक्ष तक, और शुरू हो गई थी हथियारों की होड़ भी। जो परमाणु ऊर्जा की तमाम जरूरतें पूरी कर सकती थी वही परमाणु विनाशक हथियार के लिए प्रयुक्त होने लगी। इसका खामियाजा समय समय पर विश्व की जनता को भी भुगतना पड़ा।
कभी यहाँ अटैक हुए तो कभी वहां अटैक हुए, ताकि उसकी प्राकृतिक संसाधनों की लूट की जा सके तथा अपने गुट में अन्य देशों को मिलाया जा सके। कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, कौन रोक सकता था भला उन्हें? उन ताकतों को रोकने की ताकत न भारत के पास थी न चीन के पास। हालांकि वैश्विक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन देशों के पास था। तभी 1962 में चीन के तानाशाही शासक ने एक जबरदस्त भूल की भारत के साथ युद्ध में उलझ करके। तब भारत रूस का अप्रत्यक्ष समर्थक हुआ करता था, लेकिन रूसियों के आगे एक तरफ साम्यवादी भाई था तो दूसरी तरफ परंपरागत मित्र जिसका वर्षों से गहरा जुड़ाव था। क्या रूस भारत के पक्ष में खड़ा हो गया था चीनी आक्रामकता के खिलाफ? नहीं, उसने मित्र और भाई का हवाला दे करके इससे किनारा कर लिया था। तब अमेरिका की तरफ रुख करनी पड़ी थी और एक बार गुट निरपेक्षता की नीति से घाटे होते हुए नजर आ रहे थे और कुछ लोगों को लगने लगा था कि गुट निरपेक्षता कमजोरों की नीति है, सबल तो एक पक्ष में चले जाते हैं या एक ही पक्ष बना लेते हैं। लेकिन अब जरा रुक करके सोचिए, क्या किसी ध्रुव के पक्ष में चले जाने पर सिर्फ फायदे ही होते? नहीं ना, गुटबंदी से होने वाली नुकसान से भारत को रूबरू होना पड़ता। अभी हाल के वर्षों में अमेरिका और पश्चिमी जगत के साथ बढ़ती हुई दोस्ती क्या रूस के यूक्रेन पर अटैक के बाद भी दिख रही है? जवाब है नहीं। कारण भारत की कमजोरी नहीं है, बल्कि मजबूती के साथ अपने विदेश नीति पर अड़े रहना है। एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन राष्ट्र मानवता पर हमले की तरह इस युद्ध को पेश कर भारत से समर्थन चाहते हैं, तो दूसरी तरफ रूस भारत की चुप्पी को मौन समर्थन मान करके धन्यवाद दे रहा है। तो आइए कारणों को समझने का प्रयास करते हैं कि भारत एक पक्ष में क्यों नहीं चला जा रहा है। पहली बात तो यह कि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है और यह गुटनिरपेक्षता आंदोलन का लीडर भी हुआ करता था और गुटनिरपेक्षता को अभी भी सपोर्ट करता है। साथ ही और भी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से यह एक पक्ष नहीं बन सकता है। वैश्विक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ विकसित देशों की हाथ की कठपुतली बनते नजर आ रहा है। मुख्य वजह है मजबूत राष्ट्रों की एक बेईमानी, विश्व जमात का बिना ख्याल किए एक अलोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का पावर। यह सिर्फ 5 देशों को ही है और यही पावर तथा संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक योगदान के बढ़ चढ़ करके भागीदारी इस संगठन को पंगु बनाए हुए हैं और वैश्विक मानवीय त्रासदी के वक्त इस संगठन को मुंह ताकने पर मजबूर किए हुए हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में भारत से क्या उम्मीद करते हैं कि किसी पक्ष में चला जाए और एक अंतहीन विवाद में फंस जाए? भारत जैसे मजबूत राष्ट्र की अपनी और भी चुनौतियां हैं। एक तरफ विस्तारवादी चीन का सामना करना है तो दूसरी तरफ आतंकवादियों की पनाहगाह पाकिस्तान का। सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का है। भारत ने अभी तक बहुत ही वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि हासिल की है, बात चांद तक पहुंचने की भी है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक उन्नत हथियारों के लिए भारत को दूसरों का ही मुंह देखना पड़ता है, कभी पश्चिमी जगत तो कभी रूस, और बिना तकनीकी उन्नति के जरूरत के साथ जल्दबाजी में हथियार ना तो मंगाए जा सकते हैं ना ही बनाए जा सकते हैं। फिर यह देखना लाजमी हो जाता है कि हमारी अधिकतम जरूरतें कौन पूरी कर सकता है। देखिएगा कि इस मायने में हमारी निर्भरता पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अधिकतम रूस पर ही निर्भर है। कभी सोवियत संघ हुआ करता था, उस वक्त से ही हमारी निर्भरता हथियारों के लिए रूस पर थी और अभी भी है, कि इस टेंडेंसी में थोड़ी कमी नजर आ रही है। 2009 से 2015 तक जहां 70% से ज्यादा हथियार रूस से मंगाए जाते थे, वहीं पर 2015 से 2020 के बीच में हथियारों के सप्लाई के मामले में रूस की भूमिका थोड़ी कम हुई है। लगभग 49% हथियार रूस से मंगाए जा रहे हैं। वहीं पर अमेरिका, फ्रांस, इजराइल आदि की तरफ भी भारत का रुख हुआ है, लेकिन अभी भी भारत के हथियारों की जरूरत के आधे से अधिक रूस से ही आपूर्ति की जाती है। हालांकि कुछ रूसी हथियारों के भारत में ही बनाए जाने की बात चल रही है और उस पर डील भी हुई है। सोवियत संघ के जमाने से ही रूस भारत का परम सहयोगी रहा है, खास करके हथियारों के मामले में और तकनीक के मामले में, यहाँ तक कि अंतरिक्षीय सहयोग में भी। सुखोई विमान हो या फाइटर जेट, पनडुब्बियां हो या T-90 टैंक्स, सभी रूस निर्मित हैं। इन सबके अलावा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सहयोग,
अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भागीदारी आदि में महत्तम सहयोग रूस का ही रहा है। T-90 टैंक्स का ही परिवर्धित रूप है विस्म, जिसे रूसी तकनीक पर ही परिवर्धित किया गया है। साथ ही बहुत सारे साजो सामान भी रूस से ही मंगाए जाते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में तो पूरी तरह से भारत के पक्ष में ही खड़ा हो गया था रूस। क्या यह कम बात थी? क्या उस वक्त उसने कोई शर्त रखी थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस संगठन में शामिल हो जाओ तभी हम तुम्हारा सहयोग करेंगे? अभी तक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ यूएन में कौन खड़ा नजर आया? वही रूस ना। लेकिन अपने देश का मित्र होने का यह मतलब नहीं है कि युद्ध का समर्थन किया जाए और रूस जो भी करता है वह सही ही करता है यह कहा जाए। इस मामले में रूस की जनता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। रूस में भी बड़े पैमाने पर युद्ध का विरोध हो रहा है। यूक्रेन की जनता भी युद्ध का जवाब दे रही है। भारत तो वैश्विक समुदाय के साथ ही खड़ा रहने वाला है, लेकिन कुछ समझ के साथ कि आखिर यह युद्ध हुआ क्यों और इसे रोके जाने का क्या उपाय है, यह कैसे तत्काल रुके और भविष्य में भी दुनिया सुरक्षित हो या कैसे हो, इसके लिए भारत प्रयत्नशील है। हम सभी को पता है कि सोवियत संघ का 1991 में 15 देशों में विघटन हो गया था और विघटन के बाद रूस में आई आर्थिक कमजोरी के साथ ही अमेरिका के लिए चुनौती पेश करने वाला कोई बचा ही नहीं। इसलिए विश्व की निर्भरता अमेरिका पर बढ़ गई और शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। लेकिन चीन अपनी ताकतों को बढ़ाते जा रहा है, जिसे पाकिस्तान जैसे मित्र की जरूरत है। साथ ही उसे रूस के चुप्पी की भी जरूरत है ताकि ताइवान को अपने कब्जे में ले सके। लेकिन ऐसे स्थिति में अमेरिका और यूरोपीय संघ ही उसके विरोध में आएंगे, लेकिन उनके सहयोग का रिकॉर्ड अभी तक भरोसेमंद नहीं रहा है। इधर की दुनिया बदली भी है। आर्थिक जरूरतों के हिसाब से पूरी दुनिया का एक ग्लोबल विलेज के रूप में बदली है, जिसे तकनीकी सस्ता के दम पर एकजुट करने में मदद मिली है। आज की दुनिया ज्ञान आधारित बनते जा रही है। ऐसे स्थिति में युद्ध जैसे विकल्प अपने स्वरूप में मध्यकालीन जैसे लग रहे हैं। युद्धों से कम मार आर्थिक प्रतिबंधों की नहीं होती है, पूरा का पूरा विकास ही ठप हो जाता है अगर विश्व जनमत आपके खिलाफ हो जाए तो। तो क्या रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन और उनके सलाहकार इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, समझते तो जरूर होंगे, लेकिन कुछ सुरक्षा संबंधी मजबूरियां और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ ही विस्तार की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राष्ट्रपति श्री पुतिन को आखिरकार युद्ध में झोंक ही दी। इधर अमेरिका और पश्चिमी जगत के गोद में खेलने वाला बच्चा थोड़ा नटखट जरूर है, जो अपने ही पैतृक संगठन से अलग हो जाने के बाद अपने बड़े भाई को आंख ही तरेने लगा था और बड़े भाई की भूमिका में रहना पसंद करने वाले श्री पुतिन को ये बातें पसंद नहीं आई होंगी। एक तरफ रूस के बड़े भाई वाले व्यवहार को यूक्रेन पसंद नहीं करता, उसके छत्र छाया से निकल जाना चाह रहा है, तो दूसरी तरफ अभी भी पश्चिमी जगत के गोद में बैठ करके वह अटखेलिया करना चाहता है जो रूस को पसंद नहीं। इससे यूक्रेन की जनता हो या रूस की जनता या वैश्विक समुदाय की आम जनता, सभी आहत हैं कि कहीं यह सशस्त्र अभियान महायुद्ध का रूप न ले ले और युद्धों की एक अंतहीन सिलसिला न बन जाए। तो आइए संक्षेप में एक नजर डालते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में नजर आने वाला रूस और पश्चिमी जगत की गोद में बैठ नाटो रूपी खिलौने का इंतजार करता बच्चा यूक्रेन के बीच विवाद की जड़ें कहाँ हैं, उसकी वजह क्या हैं जो युद्ध में बदल गई हैं। इस विवाद के युद्ध में बदल जाने की तात्कालिक वजह है यूक्रेन का नाटो जैसे सैन्य संगठन में शामिल हो जाने की जल्दबाजी दिखाना। लेकिन और भी कई महत्वपूर्ण वजहें हैं जो इस युद्ध के लिए जिम्मेवार हैं। इन वजहों को पीछे जाकर के सोवियत संघ के थोड़ा पहले के इतिहास में ढूंढना होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूसी और यूक्रेनियन एक ही लोग हैं, तो वहां के इतिहास को थोड़ा जान लेना ही ठीक होगा। हालांकि यूक्रेन और रूस की साझी संस्कृति की विरासत के उलझे हुए इतिहास में वहां के वर्तमान की तलाश करना टेढ़ी खीर जैसी है। और वर्तमान की बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें उसी रूप में देखना ठीक भी नहीं होगा। 28 फरवरी 2022 को बीबीसी न्यूज हिंदी में एक खबर छपी है जिसमें रूस और यूक्रेन के इतिहास से संबंधित थोड़ी जानकारियां हैं, जिसे आप सभी को देखना ठीक रहेगा। बाकी इतिहास की जानकारी के लिए और भी बहुत सारी किताबें वहां के लिए पढ़नी पड़ेंगी। मोटा मोटी उन बातों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। वर्तमान में जो यूक्रेन है उसकी राजधानी कीव है और 9वीं सदी में वहां पर एक साम्राज्य का गठन हुआ था। से स्कैंडिनेवियन लोगों ने
यानी स्कैंडिनेवियन कबीले के लोगों ने स्थापित किया था और वह स्लाविक साम्राज्य था और उसी स्लाविक साम्राज्य की राजधानी कीव थी। वे लोग अपने को रूस कहते थे, इसलिए वहां के साम्राज्य को कीवियन रूस कहा जाता था। इसी साम्राज्य में 12वीं सदी में मॉस्को की स्थापना हुई थी, लेकिन 13वीं सदी आते आते वहां पर मंगोलों का कब्जा हो गया था, यानी रूस के कई राज्यों पर मंगोलों का कब्जा हो चुका था। लेकिन 14वीं सदी में मंगोलों की स्थिति थोड़ा कमजोर हुई और उनकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए मॉस्को और लिथुएनिया नाम के दो सूबों का जन्म हुआ और रूस इन दोनों में बट गया। 17वीं सदी आते आते एक बार फिर युद्ध हुआ। एक तरफ से रूस के जार सम्राट थे तो दूसरी तरफ लिथुआनिया पोलैंड का राष्ट्रमंडल। इस तरह से डिनाइपर नदी के पूर्व वाले हिस्से रूस में चले आए जबकि पश्चिमी हिस्सा अभी भी लिथुआनिया में रह गया। इस तरह से प्राचीन यूक्रेन वाला अधिकतर हिस्सा रूस में बने रहा और सन 1764 में रूस की साम्राज्ञी ने पोलैंड के अधिकार वाले यूक्रेन के हिस्से को भी रूस में मिला लिया। तब यूक्रेन में स्थानीय भाषा को लेकर के कई तरह के प्रतिबंध लगे। अब तक यूक्रेन में कई तरह की राष्ट्रीयताओं वाले लोग रहने लगे थे। एक तरफ पश्चिमी यूक्रेन में कैथोलिक मत मानने वाले लोगों की बहुतायत थी तो दूसरी तरफ पूर्वी हिस्से में रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रभाव ज्यादा था। वहीं पर क्रीमिया का संबंध ग्रीक और ततार लोगों से था। लेकिन जब पश्चिम वाला राष्ट्रवाद फैला तो यूक्रेन और हंगरी भी उससे अछूते नहीं रहे। वहां भी राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ा और वहां के स्थानीय लोग अपने को रूसियों से अलग दिखाने के लिए अपने को यूक्रेनियन बोलने लगे और पश्चिम में यह प्रभाव कुछ ज्यादा ही पड़ा। एक तरफ पश्चिमी यूक्रेन में कैथोलिक मत को मानने वाले बहुत ज्यादा संख्या में हो गए तो पूर्वी यूक्रेन में रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रभाव वाले भी ज्यादा हो गए। पर क्रीमिया के अधिकतर लोगों का संबंध ग्रीक और ततार मूल से भी बना रहा। तभी 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस में एक क्रांति हो जाती है और जार के शासन का अंत हो जाता है और लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी सत्ता स्थापित हो जाती है। 1917 में हुई उस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, जिससे रूस में जारशाही का अंत हो गया था। इस तरह से व्लादिमीर लेनिन रूस में सत्ता में आए और उनके सामने कई चुनौतियां भी आईं। क्रांति के बाद कई राज्य अपने को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, उनमें से यूक्रेन भी एक था। रूस गृह युद्ध की चपेट में चला गया। बोल्शेविकों के खिलाफ में एक विद्रोह की शुरुआत हो गई जिसे व्हाइट विद्रोह भी कहा जाता है। इस तरह से वहां अस्थिरता थोड़ी देर के लिए आई और यूक्रेन उस दौर में स्वतंत्र बने रहा, लेकिन अंततः उसे 1922 में रूस में मिला लिया गया। 1922 में ही कई अन्य स्वतंत्र राज्यों को मिला करके एक संघ का जन्म हुआ जिसे USSR यानी सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ कहा गया। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन रूस की सत्ता में आए। बीबीसी के लेख में कहा गया है कि 1930 के दशक में स्टालिन की ओर से यूक्रेन में जबरन थोपे गए अकाल की वजह से लाखों लोग मारे गए। बड़ी संख्या में रूसी लोगों को यूक्रेन में बसाया भी गया जो यूक्रेनी भाषा नहीं बोल पाते थे। अभी भी पश्चिमी यूक्रेन का कुछ हिस्सा पोलैंड के पास था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टालिन ने पोलैंड से हासिल कर लिया। यहीं पर क्रीमिया 1783 में रूसी साम्राज्य का हिस्सा बना था जो एक प्रायद्वीप है। लेनिन की क्रांति के बाद यह भी रूसी संघ में शामिल था जिसे 1954 में रूसी राष्ट्रपति ख्रुश्चेव ने यूक्रेन में दे दिया, यानी यूक्रेन में मिला दिया गया क्रीमिया को, और तब से क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा बन गया था जिसे पुतिन ने 2014 में स्थानीय जनता के विद्रोह के बाद कब्जा करके रूस में मिला लिया। स्टालिन के बाद क्रीमिया में रूसी आबादी ही बहुसंख्यक है जबकि ततार और यूक्रेनियन ही वहां अल्पसंख्या में रहते हैं। 1991 आते आते जब रूसी संघ कमजोर हो गया, यानी USSR जब कमजोर पड़ गया तो उसका विघटन हो गया और संघ में शामिल सभी 15 राज्य अलग अलग देश बन गए। इस तरह से रूस का विघटन हो गया जिसमें यूक्रेन भी एक अलग देश बना। स्वतंत्रता के बाद यूक्रेन की नजदीकियां रूस के साथ ही साथ पोलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से भी बढ़ने लगी।
1997 में पहली बार यूक्रेन का झुकाव नाटो की तरफ हुआ था, लेकिन उस समय यूक्रेन खुल करके इसकी वकालत नहीं करता था। लेकिन 2008 आते आते यूक्रेन नाटो में जाने की खुल करके वकालत करने लगा और इसका विरोध रूस करना शुरू कर दिया। अभी जस्ट देखे हैं कि पश्चिमी यूक्रेन में पश्चिम वालों का प्रभाव ज्यादा था, अमेरिका ने भी इस पर रुचि लेनी शुरू कर दी थी। इधर रूस का तो वह अंग ही था पहले से, तो रूस तो स्वाभाविक रूप से रुचि लेता ही, और वहां के चुनावों में भी इंटरफेयर होने लगा। और तभी 2010 के चुनावों में रूसी नीतियों का समर्थक विक्टर यानुकोविच की जीत हो जाती है और वह नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करने की बात करते हैं, यानी नाटो से दूरी बनाए रखने की बात करते हैं। लेकिन उनके खिलाफ में जनता का एक विद्रोह हो जाता है जो पश्चिम के समर्थन से ही होता है, यानी पश्चिमी देशों के समर्थक जनता विद्रोह करती है और वह सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं। और तभी रूस को लगा कि यूक्रेन में पश्चिमी शक्तियां किसी खास मकसद से हस्तक्षेप कर रही हैं और रूस ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से क्रीमिया को अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील हो गया और वहां पर हमला कर दिया और इस तरह से क्रीमिया को रूस में मिला लिया गया। जर्मनी तथा फ्रांस जैसे देश रूस से सीधे सीधे टकराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने 2008 में ही यूक्रेन के नाटो में शामिल किए जाने का विरोध किया था और 2015 में भी रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता कराने में इनकी भूमिका रही। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एक समझौता हुआ और थोड़े दिन के लिए अस्थायी शांति हो गई, लेकिन मिन्स्क समझौते की अस्पष्ट शर्तें युद्ध को नहीं रोक पाई। यदा कदा तब भी विवाद होते रहता था। मिन्स्क समझौते में 13 बिंदुएं थीं, जिनमें कहा गया था कि लुहांस्क और डोनेट्स्क के विशिष्ट उल्लेख करते हुए यूक्रेन में संवैधानिक सुधार हो, और दूसरी शर्त में थी कि सभी विदेशी सेनाएं यूक्रेन की धरती से बाहर हो जाएं तथा यूक्रेन की सरकार द्वारा राज्य की सीमा पर पूर्ण नियंत्रण हो। इधर रूस चाहता है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क में शर्तों के मुताबिक सरकार बने और यूक्रेन किसी भी हालत में नाटो में नहीं जाए, और यूक्रेन चाहता था कि रूस यूक्रेन की सीमा से अपनी सेना बाहर निकाले। रूस ने वहां अपनी सेना होने की बात से ही इनकार करने लगा था। लुहांस्क तथा डोनेट्स्क में रूसी जनता की बहुतायत है और जनता की बहुत बड़ी आबादी रूस समर्थक है। लुहांस्क तथा डोनेट्स्क समृद्ध प्रांत हुआ करते हैं, साथ ही रूस की सीमा से लगे हुए भी हैं। दूसरी तरफ क्रीमिया एक प्रायद्वीप है जहां की बंदरगाहें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र हैं। उसे यूक्रेन की रोटी का डलिया भी कहा जाता है। यूक्रेन में घास के प्रसिद्ध मैदान स्टेपी पसरा हुआ है तथा यूक्रेन गेहूं का बड़ा उत्पादक है जो अपनी गेहूं का निर्यात कई देशों को करता है। रूस तथा यूक्रेन का गेहूं के निर्यात में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन का क्रीमिया हो या अन्य पूर्वी प्रांत, वे समृद्ध कृषि क्षेत्र भी हैं तथा पूरे यूक्रेन में प्राकृतिक गैसों का विशाल भंडार भी है। साथ ही रूस से यूरोप को भेजा जाने वाला गैस पाइपलाइन यूक्रेन से भी गुजरता है और यूक्रेन की कमाई उन पाइपलाइनों से भी होती है। यूरोप की गैस की अधिकांश जरूरतें रूस ही पूरी करता है। गैसों की सप्लाई तो पाइपलाइन से ही होती है, इसलिए पाइपलाइन काफी महत्वपूर्ण है। अभी रूस और जर्मनी के बीच में भी एक गैस पाइपलाइन प्रस्तावित था और इन विवादों के पीछे यह भी एक फैक्टर है। पश्चिमी देश जो नाटो के माध्यम से इन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, यानी एक तरह से प्राकृतिक संसाधनों की लूट में वे अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, और इधर रूस इसे अपना ही अंग मानता है। अगर यूक्रेन में कठपुतली सरकार हो तो मकसद साधा जा सकता है। यही बात यूरोप और अमेरिका के नाटो देश भी चाहते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन में नाटो का हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा है और यूक्रेन नाटो की तरफ खुद भी आकर्षित है। कुछ तो अपनी सीमा की सुरक्षा की वजह भी रही होगी, लेकिन अधिकतर वहां पर कठपुतली सरकारों की वजह से यह होता है। यूक्रेन की जनता को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो यूक्रेन के लिए काम करे, ना तो पश्चिमी शक्तियों के ताकत का खिलौना बने और ना ही वह रूस समर्थक हो। अभी आप देख चुके हैं कि युद्ध का तत्कालिक कारण यूक्रेन का नाटो की तरफ झुकाव है। तो आइए जानते हैं कि
नाटो क्या है और नाटो की तरफ वह क्यों जाना चाहता है तथा रूस इसका विरोध क्यों करता है। अभी आप लोगों ने देखा है कि नाटो का जन्म ही सत्य युद्ध के दौर में 1949 में हुआ था, जो पूरी तरह से सोवियत संघ की खिलाफत के लिए जाना जाता था। उस वक्त उसमें 12 ही सदस्य थे, लेकिन सोवियत संघ के ना चाहते हुए भी नाटो का जबरदस्त प्रसार हुआ और अभी वर्तमान में उसमें 30 सदस्य हैं और नियमों के तहत वे बंधे हुए हैं कि अगर किसी भी नाटो के सदस्य देश पर हमला हुआ तो वह अमेरिका पर हमला माना जाएगा, 30 देशों की नाटो सेना उसका जवाब देगी। अब जरा सोचिए कि कौन देश अपनी सीमाओं के पास इस तरह के सैन्य संगठन को पनपने देना चाहेगा। इसलिए रूस इसकी पुरजोर खिलाफत करता है। वहीं पर यूक्रेन का मानना है कि रूस विस्तारवादी नीति अपना रहा है, जो यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों में अलगाववाद को बढ़ावा देकर यूक्रेन से अलग करना चाहता है। हालांकि रूस इस बात से इनकार करते आया था। इस वजह से यूक्रेन का मामला सुरक्षा के लिहाज से नाटो की तरफ जाने का है, लेकिन अभी रूसी हमले के बाद अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के व्यवहार को देख सकते हैं कि क्या अमेरिका यूक्रेन के लिए सैन्य हस्तक्षेप कर पाया। वह और यूरोपियन संघ मिल करके रूस पर तो पहले से भी प्रतिबंध लगाते आ रहे थे, जिसका प्रभाव थोड़ा ही पड़ा था। अब आगे देखिए कि इन आर्थिक प्रतिबंधों का क्या नतीजा होता है। क्या आर्थिक प्रतिबंधों से रूस लाचार हो जाएगा? क्या रूस दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा? क्या यूएनओ उस पर नकेल कस पाएगा? उधर 2019 में यूक्रेन की सत्ता में वोल्दिमीर जेलेंस्की आए और उनका नाटो के साथ बहुत अधिक आकर्षण था, झुकाव था। 2019 में यूक्रेन की संसद ने संविधान में संशोधन करते हुए नाटो तथा यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनने की प्रतिबद्धता जाहिर कर दी। वैसे कुछ सर्वेक्षणों के मुताबिक यूक्रेनियनों की संख्या अब बढ़ रही है जो यूक्रेन को नाटो में मिलाना चाहते हैं। 2005 से 2013 के बीच जो सर्वेक्षण हुए थे उनके मुताबिक बहुत कम ही यूक्रेनियन ऐसे थे जो यूक्रेन को नाटो में मिलाना चाहते थे, और 2014 के पोल में ऐसे लोगों की संख्या 50% हो गई थी। वहीं पर 2017 के एक पोल में 69% तक हो गई थी। इधर यूक्रेन का संबंध नाटो के साथ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था और 2021 आते आते इस सिलसिले में गतिविधियां काफी बढ़ गई थी और साथ ही रूस की खिलाफत भी काफी बढ़ गई थी। तभी रूस इन बातों को लेकर के लुहांस्क तथा डोनेस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दिया। दोनों क्षेत्रों को संयुक्त रूप से डोनबास क्षेत्र भी कहा जाता है। वहां की जनता रूस समर्थक मानी जाती है तथा रूसी संस्कृति का उनमें व्यापक प्रभाव भी है। जब यूक्रेन तथा नाटो देशों का खिलाफत बढ़ा और उन लोगों ने इस बात का विरोध किया तो रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को अटैक कर दिया। यूक्रेन नाटो की तरफ मुंह देखने लगा और अमेरिका तथा यूरोपियन देश सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध तथा तकनीकी और हथियारों के सप्लाई तक सिमट गए और पूरी लड़ाई यूक्रेनियनों को लड़नी पड़ रही है। कभी यूक्रेन भी परमाणु शस्त्र से संपन्न देश था, लेकिन एक समझौते के तहत उसने अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए रूस को दे दिया था। यह समझौता शक्तिशाली देशों के देखरेख में हुआ। रूस का कहना है कि अभी भी उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाता है तो विश्व समुदाय का क्या होगा। वैसे युद्ध के शुरू में ही अमेरिका ने वोलोदिमिर जेलेंस्की को सलाह दी थी कि यूक्रेन छोड़ करके भाग जाइए, लेकिन जेलेंस्की ने इस बात से मना कर दिया और कहा कि हम अपने देशवासियों को धोखा नहीं दे सकते, हम अपने राष्ट्र को धोखा नहीं दे सकते, हम लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन इस देश को छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे ही युद्ध आगे बढ़ी वहां से निकल भागने की होड़ मच गई और भारतीय छात्र भी बड़ी संख्या में वहां फंस गए। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम से एक मिशन की शुरुआत की, जो एक निकासी अभियान है जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी लगा हुआ है और अभी इस काम में बहुत तेजी आई है और विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के अनुसार 17,000 से ज्यादा नागरिक, जिनमें छात्र ही अधिकतर हैं, वहां से निकाले जा सके हैं।
और बहुत जल्दी ही सभी को सुरक्षित ढंग से निकाला जाएगा। हालांकि उनकी सुरक्षित वापसी एक गंभीर चुनौती है और रूस के हमले से एक भारतीय छात्र की मौत भी हो चुकी है और यूक्रेन से आने वाली फ्लाइट्स बंद हैं, जिसकी वजह से भारतीय छात्रों को यूक्रेन की सीमा से लगी हुई दूसरे देशों की सीमा में जाना होता है और वहां से भारत सरकार उन्हें वापस लाती है। इस काम की देखरेख में भारत सरकार के कई मंत्री भी लगे हुए हैं। मानवता की उत्थान चाहने वाला कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान आधारित दुनिया में युद्धों को नहीं चाहेगा और युद्ध की विरोध रूस की जनता के तरफ से भी हो रही है, भले ही ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है।